इसके बच्चे भी क्यूट हो गए हैं। नोज इसका ब्लैक हो रहा है। और ये वाला अभी आंखें नहीं खोली इन्होंने, इसने खोली आंखें, लाइट की वजह से बंद कर दी आंख। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? शोर से आपको पता चल गया होगा कि हम इन परिंदों की तरफ आप आए हैं, अंदर से देखते हैं इनकी डिटेल्स वगैरह आप सबके साथ शेयर करते हैं, इनकी ट्रेनिंग वगैरह जो हमने की है सब शेयर करते हैं। शोर बहुत ज़्यादा हो गया है, डब को देखना पड़ता है, डब तो नहीं बैठी कहीं नज़दीक, ये पता नहीं चला छोटी सी होती हैं उड़ जाती हैं। थोड़ी सी सेटिंग हमने चेंज की है, ये जो रिंग नेक वाले हैं ना के जी यहीं से पड़े हैं, और इधर वाले जो थे ना ये देखें, ये पहाड़ी की थोड़ी सी सेटिंग, क्योंकि कूलर की वजह से अब गर्मी हो गई है ना, कूलर चला रहे हैं ना, तो इसलिए ये जो सारे ये देखें इकनौर के सारे जो केज थे ना इधर इस तरफ रख दिए हमने। थोड़ा सा शोर इस वजह से आपको हो रहा होगा कि एक तो तोते बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऊपर से ना फिर ये कूलर का शोर। कुंडी लगा दूं कहीं खोल ना जाए दरवाज़ा। ये हमारा पेयर जो नया हमने लिया है ब्लू टर्कोइज वाला, ये पट्ठे हैं बड़े बड़े नहीं हैं, नेक्स्ट सीजन में ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा वाइट का बड़ा पेयर अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो हमारे पट्ठे इस साल हमने रखे हैं इसमें से अब देखेंगे मेल्स फीमेल्स कितने हैं, फिर इनके पेयर बना के फिर इनके लिए भी नए पिंजरे बनवाने पड़ेंगे, उनमें इनको छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो सारे फुल हैं ना रिंग नेक वाले, बस ये एक खाली खड़े है ये वाला, बाकी सारे ही फुल हैं, तो इनके जो आप पेयर बना के इनको छोड़ेंगे ना इनके लिए पिंजरे बनवाने पड़ेंगे। ये जो कनार है ना इनका हम एक और कलर अब ला रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हमारे पास हैं चार कलर, जैसे एक ये वाला कलर है, एक ये कलर, एक ये कलर हो गया, ठीक है, ये एक कलर हो गया ये वाला। इनके ना मतलब ये जो सारे कलर्स हैं ना इनके नाम इस सब का एक ही है कनौर, सिर्फ कलर डिफरेंट है, बड़े कलर के ही प्राइस हैं इनके, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा येलो शेड में आ जाता है, ये देखें येलो शेड में, ये थोड़ा ग्रीन और रेड शेड में आ जाता है, ये लाइट ग्रीन रेड और येलो शेड में आ जाता है ये वाला, ठीक है। और जो ये वाला है अपना ये भी येलो लाइट ग्रीन शेड में आ जाता है, इंशाल्लाह इस साल इनमें से भी जो ये देखे ना ये गर्दन के साथ जो ये अपनी लाइन बना रहे हैं ब्लैक कलर वाली गानी, ये मतलब ये जवान हो गया है, ये वाला पेयर जवान हो गया है दोनों, इंशाल्लाह अगले साल अब ये ब्रीड करेंगे। ये वाले हमने इस साल रखे थे, ये अभी 2 साल के बाद ब्रीड करेंगे, इनको अभी देर है, गर्मी बहुत हो गई है ना, तो अब जैसे आप पिंजरे और बनवाएंगे ना इनके लिए तो कूलर भी एक और हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कूलर ना फुल गर्मी को ना कवर नहीं कर सकता। ये हमारा है तोते पकड़ने वाला, इससे ना मतलब बाहर से पकड़ते हैं, अंदर से ना यहाँ से इसे पकड़ते हैं, देखो ये फोम लगाई हुई है ताकि तोतों को ना मतलब अगर तोते को लगे भी सही तो मतलब उसे चोट ना लगे, ये फोम लगा के साइड से कपड़ा लगाया अंदर से पकड़ने के लिए, ये उठाया ना इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि फिर हमें पकड़ने वाले हैं। इसमें कुछ अंडे पड़े हैं, ये कुछ ख़राब अंडे पड़े हैं, बाकी इनका सामान वगैरह ये देखिए पड़ा है, ये तोतों के अंडे पड़े हैं, ये इंजेक्शन वगैरह रखे हुए हैं, ये एवियन के कैप्सूल हैं, ब्रश वगैरह सफाई वगैरह करने के लिए बल्ब हो गया है, फोम हो गया, ये सारा सामान हमने विंडो बनवा के यहाँ पे सारा रखा हुआ है। डब कहाँ गए हमारी, वो गई बैठी ऊपर, चलें जी बाहर चलते हैं, शोर मचाना शुरू कर दिए इन्होंने, शोर मचा लिया तो फिर गर्मी की वजह से ना गर्मी ज़्यादा लगती है इनको, जैसे ना
रेस्ट करें। उधर जाके देखते हैं कि बिल्ली के जो बच्चों का अब क्या पोजीशन है। कोई हमसे रिंगनेक्स के रिलेटेड, कबूतरों के रिलेटेड, पेट्स के रिलेटेड कोई भी हमसे ना कुछ पूछना चाहे तो मेडिसिन कोई कोई भी चीज़ कमेंट कर दिया करें हमें, हम आपको बता दिया करेंगे। क्योंकि हमारे पास तजर्बा काफ़ी सालों का है, 8-10 सालों का तजर्बा है, हमने हमें ये तोते रखते हुए, हर चीज़ रखते हुए। ठीक है, पहले हमने ना ये तोते वगैरह जब रखे थे तो बजरियों से और कॉकटेल से स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना फिर इनको ना कन्वर्ट किया है बजरी और कॉकटेल। तो कॉकटेल तो ख़त्म कर दिए हैं क्योंकि मरते बहुत ज़्यादा हैं, ब्रीड करते हैं, बचत कोई है नहीं। फिर हम रिंग नेक पे आ गए हैं, तो इनमें मतलब बचत भी है, हमें सीज़न के सीज़न कुछ ना कुछ पैसे भी दे जाते हैं और शौक भी इनका अच्छा है बड़ा। और इनकी ना कुव्वत मुदाफियत जो होती है ना वो ज़्यादा होती है छोटे तोतों से की निस्बत। मतलब ये गर्मी में बर्दाश्त कर जाते हैं, सर्दी भी बर्दाश्त कर जाते हैं, इसलिए ना फिर बजरी सिर्फ कुछ रखे हुए हैं शौक की खातिर, कलर उनके अच्छे लगते हैं इसलिए बजरी कुछ रखे हुए हैं। बाकी लव बर्ड का मुझे शौक है, इंशाल्लाह इस साल लव बर्ड की कॉलोनी बनाएंगे फुल, हर कलर उसमें अब ले आएंगे लव बर्ड। पहले मैं हम रिंग नेक के कर रहे हैं ना पूरे, ये पूरे कर लें, कनौर के रह गए एक दो वो कर लेते हैं पूरे, फिर इंशाल्लाह लव बर्ड की अब करेंगे। तो अब हम चल के देखते हैं चाचू की जो बिल्लियाँ हैं उनका क्या है पड़ा। उनके दो बिल्लियों के बच्चे निकले पड़े थे ना, तो उनकी बिल्लियाँ जाके देखते हैं उनकी बिल्लियों ने क्या पोजीशन है, बच्चों की क्या पोजीशन है। ये चाचू का घर है, ठीक है, ये साथ वाला हमारा घर है। तो ये बच्ची बिल्लियाँ जो है ना ये सारी इनकी हैं पड़ी, हमारी बेला है पड़ी, क्योंकि इन्होंने डॉल फेस रखी हुई है, हमें डॉल फेस नहीं पसंद। एक ही अच्छी कैट है इनकी ग्रे। इसके बच्चे भी क्यूट हो गए हैं, नोज इसका ब्लैक हो रहा है, ये वाला अभी आंखें नहीं खोली इन्होंने, इसने खोल ली आंखें, लाइट की वजह से बंद कर दी आंख। इसके देखते हैं इसके बच्चों का क्या हाल है, कौन सा कलर है। ये व्हाइट और ग्रे शेड में है, ये देखें हल्की सी ग्रे शेड है, ये शायद ब्राउन शेड है। बाकी कहाँ गए, बाकी एक इसके पीछे क्या पड़ा है ये देखें, ये प्योर वाइट है। एक और तीसरा कहाँ गया, तीसरा भी इसके पीछे होगा। एक बच्चा इसका मर गया मुझे अब पता चला है, दो बच्चे अब इसके बच्चे हैं, पता नहीं किस वजह से मरा है कोई पता नहीं है, दो बच्चे बच गए इनके, शायद दूध की वजह से मरा होगा या पता नहीं सर्दी गर्मी की वजह से कोई पता नहीं है। चलें जी, घर वाले परिंदे तो कल वाले व्लॉग में आप देख ही चुके हैं, फ्रेश अपडेट आपको दे दी है आज के इन परिंदों की। सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन को याद से दबा दें ताकि डेली की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।